काल विशेषण का थोकड़ा। श्रीमद् भगवती जी सूत्र शतक छह उद्देशक सातवें के आधार से काल विशेषण का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं। गौतम स्वामी भगवान महावीर से हाथ जोड़ मान मोड़ विनयपूर्वक वंदन करते हुए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पहला, भंते, कोठा में पल्य आदि में बंद किए हुए छांदन दिए हुए धान की योनि अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति कितने काल तक रहती है? गौतम, जघन्य अंतर मुहूर्त तक उत्कृष्ट शाली अर्थात जातिवान चावल, ब्रीही अर्थात सामान्य जाति के चावल, गेहूं, जव, जवार आदि की योनि 3 वर्ष तक रहती है। कलाय अर्थात मटर, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, चवला, कुलत, चवला के आकार वाला चपटा धान कुलथी, तुअर, चना आदि की योनि उत्कृष्ट 5 वर्ष तक रहती है। अलसी, कुसुम्भ, कोद्रव, कांगनी, वरट, राल, सन, सरसों आदि में योनि उत्कृष्ट 7 वर्ष तक रहती है, तत्पश्चात योनि नष्ट हो जाती है। प्रश्न 2, भंते, एक मुहूर्त में कितने श्वासोच्छ्वास होते हैं? गौतम, एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। एक समय से लेकर शीर्ष पहेलिका तक गणित है, इसके बाद पल्योपम एवं सागरोपम का स्वरूप उपमा काल है। प्रश्न 3, भंते, अवसर्पिनी काल के सुषम सुषमा आरे में इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कैसा भाव था? गौतम, भूमि भाग बहुत सम रमणीय था, यावत देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र के युगलिकों की तरह यहाँ 6 प्रकार के उत्कृष्ट सुख वाले मनुष्य रहते थे। नंबर 1, पद्म समान गंध वाले। नंबर 2, कस्तूरी समान गंध वाले। नंबर 3, ममत्व रहित। नंबर 4, तेजस्वी रूपवंत। नंबर 5, सहनशील। नंबर 6, उतावल रहित गंभीर गति से चलने वाले मनुष्य रहते थे। सेवम भंते, सेवम भंते।